होनहार बलवान की होशिक ने पास कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक युवा के साथ हुआ है जिसने सस्ती ई बाइक बनाने का कारनामा कर दिया है और बेहद कम लागत में तैयार इस ई बाइक को चलाने का खर्च बहुत ज्यादा कम है। युवा का मकसद भी नेक है क्योंकि इस ई बाइक को महंगाई के इस दौर में लोगों के लिए एक राहत के तौर पर देखा जा रहा है। बीस साल के आदित्य का ये वो आविष्कार है जो आपकी जेब में पैसे और कलेजे को ठंडक देने वाला है। महंगे पेट्रोल और महंगी ई गाड़ियों के मुकाबले ये साइकिल केवल 10 पैसे का खर्च आपसे एक किलोमीटर के सफर का मांगेगी। हालांकि ये इस साइकिल का शुरुआती डिजाइन है, इसमें अभी और भी मॉडिफिकेशन यानी बदलाव किया जाना है जिसके बाद ये साइकिल बाजार में आने वाली है। आदित्य शिवहरे मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले हैं। अपने इस आविष्कार की बदौलत फिलहाल सुर्खियों में हैं। बकौल आदित्य वो शुरू से ही मशीनों से प्रेम करते आए हैं। उन्होंने ऐसी कई चीजें कम उम्र में ही बना डाली हैं, जिससे न केवल उनकी पहचान बनी बल्कि इसके लिए उन्हें सम्मान और पुरस्कार भी मिले हैं। मतलब बिजली से चलने वाली चीज थी, उसे देखने बड़ा शौक था। मशीनें कैसे काम करती है, कैसे वर्क कर रही है, इसके पीछे क्या सिद्धांत है, इस चीज का बहुत शौक था। तो फिर मैंने 14 साल की उम्र में एक जनरेटर बनाया था, डीसी जनरेटर, जिससे मुझे स्कूल से अवार्ड भी मिला था। और फिर उसके बाद मैंने 15 साल की उम्र में जेट इंजन बनाया था, उसके लिए मुझे अवार्ड मिला था। फिर मैंने 16 साल की उम्र में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी, तरंगों के थ्रू मैं बिजली को एक जगह से दूसरी जगह फेंकता था, उसके लिए मुझे 1.5 अवार्ड पीएम कार्यालय से बधाई पत्र और एनसीईआरटी साइंस एग्जीबिशन से भी इन्विटेशन और इंडियन साइंस कांग्रेस से भी इन्विटेशन आया था। आदित्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति ने उन्हें आज दूसरे बच्चों से अलग लाकर खड़ा कर दिया है। आदित्य बताते हैं कि जब दूसरे लोग खेलने कूदने में लगे रहते थे तो मेरा मन मशीनों की तरफ भागता था। यही वजह है कि उन्होंने अपने इस प्रोडक्ट का नाम खुद के नाम पर कर दिया है। आदित्य को इसे बनाने में 20,000 रुपए का खर्च आया है। वो मानते हैं कि इससे किफायती सफर किया जा सकेगा। लोगों को मीन्स अभी जो पेट्रोल की बाइक है वो 2 रुपए किलोमीटर चलती है और ये 10 पैसे किलोमीटर चलती है, तो ये सीधे सीधे 10 गुना पैसों में इनका बचत होगी। उनकी जो पेट्रोल में पैसा लगता है वो पैसे की बचत होगी और अपना पर्यावरण को प्रदूषण भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इलेक्ट्रिक बाइक है मार्केट में बहुत महंगी है, मीन्स 1-1.5 लाख जो आम लोग की बजट से बाहर है। तो मैं जनता के लिए ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक बनाना चाहता हूँ जो हर कोई ले सके और किसी को उसके बारे में लेने से पहले सोचना ना पड़े। आदित्य चाहते हैं कि उन्हें इस बाइक को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से भी मदद मिले ताकि वो इसे आम लोगों तक पहुंचा सके। आदित्य को अपने जिस आविष्कार पर प्रधानमंत्री कार्यालय से तारीफ मिल चुकी है, अब जरा उसके बारे में उनके माँ के सरल शब्दों से समझने की कोशिश करिए। इसने एक आविष्कार किया था, तो मैं जब मैं छत पे जाती थी तो तार लपेटता पाइप में मिलता, तो मैंने क्या बना रहे हो भैया? इसने बोला मम्मी हम लाइट का आविष्कार कर रहे हैं, बगैर वायर के जो नॉर्मल करंट से खत्म होते हैं, छोटे छोटे बच्चे करंट में चिपक जाते हैं तार से, हम तार को खत्म करना चाहते हैं। इसने वायरलेस और शॉकलेस का आविष्कार किया था आज 3 साल पहले। आदित्य जैसे युवा बदलते भारत की पहचान बन रहे हैं, सही मायनों में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा कर रहे हैं, जिसमें तकनीकी और हुनर की बदौलत अब दुनिया के दूसरे देशों को हमने पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।